सांसद अनुराग ठाकुर ने भारतीय नववर्ष पर पहले नवरात्रि को गाय गंगा गौरी रक्षा अभियान का शुभारंभ ठाकुर द्वारा गौशाला जमनी धाम में 35 गांवों की 108 कन्याओं के पूजन के साथ किया। इससे पहले जमनी धाम में गायत्री महायज्ञ में पूर्ण आहुति भी डाली गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा गौ रक्षा तथा गंगा संरक्षण अभियान राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया है। यह अभियान अब आम जनमानस का अभियान बनने लगा है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने स्तर पर इस अभियान को आरंभ करके समाज की सही दिशा के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आरंभ होने के पश्चात 0 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात में काफी सुधार देखने को मिला है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के ऊना तथा हमीरपुर जिला में लिंगानुपात में असमानता पाए जाने के कारण इन दोनों जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शामिल किया गया था तथा इन दोनों ही जिलों में अब लिंगानुपात में काफी सुधार देखने को मिला है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार गौपालन के लिए गौ सेवा सदन खोलने के लिए भी कारगर कदम उठाने का संकल्प दोहराया है तथा बजट में गौ सेवा सदन खोलने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि गौवंश की रक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। पहले अपने अंदर जरूर देख लेना चाहिए, उनमें और उनमें, छोड़ने वालों में और काटने वालों में अंतर क्या है। एक ने सड़क पर छोड़ दिया कटने के लिए, दूसरा काटने के लिए ले जाता है। ये पूरे समाज की, केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर गाय को बचाना है, उसके अंदर भी जीवन है, तो हम सब की जिम्मेदारी भी बनती कि हम उसको करें। मैं बधाई देता हूं प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री जी ने, दोनों ने मिलकर गौशालाएं कई खोलने का एक नया प्रयास किया है। करोड़ों रुपए का बजट उसके लिए रखा है और हम कई ऐसी संस्थाएं इसी वर्ष वापस खोलने वाले। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि पेयजल स्रोतों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है तथा सभी नागरिकों को अपने आसपास के पेयजल स्रोतों में गंदगी इत्यादि नहीं फैलाने का संकल्प लेना चाहिए ताकि पेयजल स्रोतों को स्वच्छ बनाया जा सके। वर्तमान समय में जहां हमने नेत्र के साथ खिलवाड़ किया है, अब हमारा फर्ज भी बनता है कि नेचर को कैसे बचाए रखना है। गऊ हमारी माता है और कोई हिंदुस्तानी ऐसा ना होगा जो गऊ की पूजा ना करता हो, लेकिन आज हमारी गऊ माता की क्या हालत है यह सबको पता है। लेकिन ये जो यहाँ पर गौशाला चली हुई है, एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं और जो इनका मिशन है, मुझे बार बार यहाँ आने का मौका मिलता है। मैं मनकोटिया जी का, बार यहाँ जितने भी यहाँ जो लोग सहयोग करते हैं, मैं कहता हूँ इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। इससे पहले जमली धाम गौशाला समिति के प्रमुख रसेल सिंह मनकोटिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए गौशाला समिति के माध्यम से चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि गौशाला समिति की ओर से आधा दर्जन से ज्यादा पंचायतों की बेटियों को गोद ले रखा है तथा इसमें पढ़ाई तथा शादी का जिम्मा भी गौशाला समिति द्वारा उठाया जा रहा है। गत वर्ष ही 5 बेटियों की शादी भी गौशाला समिति के माध्यम से करवाई गई है। इस अवसर पर एपीएमसी के पूर्व चेयरमैन प्यारेलाल शर्मा, भाजपा के मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान, सचिव बीजे पाल सुहारू, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष राजकुमारी वीना कपिल, मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा, सुखदेव शास्त्री सहित विभिन्न गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। और 35 गांव के बच्चियां यहां 108 कन्या यहां पहुंची जिनका विधिवत रूप से यहां पूजन हुआ। ये पूजा हुई, अब नवरात्र लगे हैं। आप लोगों ने कभी घर करते हैं जाके पूजा करके देखना बच्चियों की, आपको 2 बच्ची नहीं मिलेंगे घर में पूजा करने के लिए। क्या कारण हो गया है यहां तक 108 पहुंचे हैं?
ये विधान है। जब 3 वर्ष पहले हमने यहाँ पर ये काम स्टार्ट किया था तो विमला कश्यप, श्रीमती विमला कश्यप जी यहाँ पहुंची थी मुख्य अतिथि के रूप में, और उन्होंने मुझे ये कहा था, मनकोटिया जी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इतनी बच्चियां यहाँ इकट्ठी हो सकती हैं, आज तो 2 बच्चियां भी पूजा के लिए नहीं मिलती। लेकिन हमने ये काम स्टार्ट किया है आप लोगों का सहयोग से, और ठाकुर जी इन 35 गांव की बेटियों को इस गौशाला कमेटी ने गोद ले रखा है ताकि कोई बच्ची पढ़ने से, शादी से, इलाज से वंचित ना रहे।